तो जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी सेल्स करके पैसा कमाना चाहते हो तो टिटलमेंट प्रो ऐप से रजिस्ट्रेशन करके किस तरीके से आप टिटलमेंट प्रो ऐप से ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स करके पैसा कमा सकते हो पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स करके पैसा कमाना चाहते हो, एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हो तो टिटलमेंट प्रो ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके किस तरीके से आप इस ऐप से इंश्योरेंस को सेल्स कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी सेल्स करके पैसा कमाना चाहते हो तो टिटलमेंट प्रो ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, टिटलमेंट प्रो ऐप पे ऑलरेडी वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप दोस्तों इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी सेल्स करने के लिए टिटलमेंट प्रो ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया है तो टिटलमेंट प्रो ऐप पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको उस अकाउंट को केवाईसी भी करना है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि टिटलमेंट प्रो ऐप पे किस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हो और क्या क्या डिटेल्स चाहिए केवाईसी करने के लिए और पेमेंट लेने के लिए किस तरीके से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में सारा डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर सारा डिटेल्स देखते हैं कि टिटलमेंट प्रो ऐप पे किस तरीके से केवाईसी कर सकते हो और बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक कर सकते हो। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टिटलमेंट प्रो ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टिटलमेंट प्रो ऐप को ओपन कर लेंगे। ऊपर पे यहाँ पे अपना लोगो दिख जाएगा, अपना लोगो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे माई अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से एंड्रॉइड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आपको पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स देख के आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आप यहाँ पे स्टेप वन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो एक अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करना चाहते हो फोटो तो फोटो क्लिक करेंगे। यहाँ पर गैलरी पे है फोटो, गैलरी से जाकर फोटो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फोटो आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको आधार की फोटो लेना है। यहाँ अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसी तरीके से यहाँ पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड आधार कार्ड की फोटो डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना फोटो डालेंगे आधार कार्ड का फ्रंट साइड एंड बैक साइड। जैसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे नीचे वाला ऑप्शन सारा जो कि ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना आधार नंबर फिल करना है एंड आधार नंबर फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपलोड करने की ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट लेने के लिए आप यहाँ पे अपना बैंक पासबुक का फोटो लेंगे या फिर बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम बैंक की पासबुक की फोटो अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली फिल नहीं हुआ, तो चलो हम मैन्युअली फिल कर लेते हैं बैंक की सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं अकाउंट डिटेल्स सारा कुछ मैन्युअली डाल चुका हूँ। तो आप भी यहाँ पे अगर नहीं आता है तो आप भी मैन्युअली यहाँ पे डाल देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से एंटरप्राइज आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अपना एजुकेशन का डिटेल्स डालेंगे। तो आपने यहाँ पे एजुकेशन का डालेंगे डिटेल्स और यहाँ पे अपना एजुकेशन का फोटो अपलोड कर देंगे। तो फोटो क्लिक करके यहाँ पर गैलरी पे है तो गैलरी पे आप फोटो को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना प्राइमरी सोर्स इनकम सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, इस लिस्ट में से चेक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अदर इस लिस्ट में से नहीं हो तो यहाँ पे अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उस बिजनेस का एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेंगे कि उस बिजनेस का आपके पास कितने साल तक एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रेफरल कोड। तो यहाँ पे रेफरल कोड डाल के आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना प्रोफाइल आ जाएंगे। आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो देना है तो अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल का फोटो अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से प्रोफाइल फोटो अपलोड करने का मैरिटेड स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना अल्टरनेट नंबर डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारा कुछ फिल हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बाकी रह गया, वो प्रोडक्ट सेल करना। तो यहाँ पे देखो सब ग्रीन टिक आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेंगे ये भी ग्रीन टिक आ जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स हो चुका है, हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट आपको सेल करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाएंगे।
उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैनर भी मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक के फोटो शेयर करना चाहते हो, बैनर शेयर करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैनर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बैनर आ जाएगा। तो यहाँ पे वो बैनर आ जाएंगे तो यहाँ पे शेयर कर सकते हो इस बैनर को व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उस बैनर की यहाँ पे लिंक आ जाएंगे। इस लिंक को कॉपी करके आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप पे आप इस बैनर को शेयर कर सकते हो। इस बैनर पे क्लिक करके कोई भी अगर ये सर्विस ले लेता है तो उससे आपका अर्निंग हो जाएगा। या फिर सेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है सेल्स करने की, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कोई अगर इंश्योरेंस चाहता है तो आप इस ऐप से इंश्योरेंस को सेल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी सेल्स करके पैसा कमाना चाहते हो ट्रीटमेंट प्रो ऐप से, तो इस तरीके से फुल केवाईसी कंप्लीट करके अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके ट्रीटमेंट प्रो ऐप से इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी सेल्स का पैसा कमा सकते हो। और जो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड किया है उस अकाउंट पे अपना जो कि पेमेंट आ जाएगा जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी सेल्स करोगे। तो आई होप आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।